वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। खंभा पर्वत शिखर अवस्थित है, चौखंभा पर्वत शिखर से अवस्थित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत में, ऑप्शन ए। चौखंभा पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई 7138 मीटर है। इसे बद्रीनाथ शिखर भी कहा जाता है, यह गंगोत्री के पूर्वी छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आइसोबाथ, जो हो जाएगा समुद्री जल में लवणता के समान से मात्रा को दर्शाने वाली रेखा, ये सही नहीं है। आइसोबाथ समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहेलाइन समुद्र जल में लवणता, समुद्र जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा हो जाएगा, इसको आइसोहेलाइन कहा जाएगा। आइसोहेलाइन हो जाएगा समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा। आइसोबाथ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहाइट जो है वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोफाइट जो है वनस्पति की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लघु हिमालय में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। रोहतांग दर्रा हिमालय प्रदेश के अंतर्गत लघु हिमालय में स्थित है। यह मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा को हिमालय हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रोहतांग दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रावी नदी पे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अम्लीय, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। लाल पीली मृदा भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है। इसे मंडलीय मृदा भी कहा जाता है। लोहे के ऑक्साइड मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास एवं ह्यूमस की कमी से होती है तथा स्वभाव से अम्लीय प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है, अगस्त मलाई बायोस्फीयर से रिजर्व जो को किस वर्ष भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल से किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2001 में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगस्त मलाई बायोस्फीयर से रिजर्व जगह विस्तार से केरल से एवं तमिलनाडु राज्य में है। इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा वर्ष 2001 में दिया गया है। 2016 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, एक्वापोनिक कृषि है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। एक्वापोनिक्स कृषि की नई तकनीक जो है, इसके अंतर्गत किसानों द्वारा पौधा उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है। इसमें एक ही टैंक में मछली और पौधे एक साथ ही वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला निर्माण के विकास क्रम में प्रथम अवस्था कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीट, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पीट कोयला निर्माण से कहते विकास क्रम से जो प्रथम अवस्था लकड़ी से मिलता जुलता क्रम से गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक तथा ताप क्षमता निम्न होती है। लिग्नाइट भी निम्न गुणवत्ता वाला भूरा रंग का कोयला है। लिग्नाइट कोयले के भंडार से एवं उत्पादन से तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। विटुमिनस जो है एक मध्य श्रेणी का कोयला है, लेकिन इसे उन्नत श्रेणी का कोयला होता है। भारत में सर्वाधिक भंडार इसी कोयले का है। 80% विटुमिनस कोयला गोंडवाना
काल का है। एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट सबसे बेहतर क्वालिटी का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग NW, राष्ट्रीय जल मार्ग NW हो जाएगा, नेशनल वाटर वे संख्या 100 किस नदी के पर है? नेशनल वाटर वे जो है संख्या 100 किस नदी पे है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ताप्ती नदी पे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 17.72%, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.72% था। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना देहरादून उत्तराखंड में 2 जुलाई 2015 में की गई। अगला प्रश्न है, लाहौली जनजाति का निवास स्थल कौन सा राज्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पाखाल वन्यजीव अभयारण्य जो हो जाएगा ये तेलंगाना क्षेत्र में है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। लाहौल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लाहौल लोक नृत्य का संबंध जो है ये हो जाएगा मेघालय से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण था? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा सूखा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये हाथी से परिचित नहीं थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजन पद्धति कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बज्जी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा से चलाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक में से एक था, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इनका शासनकाल 350 से 375 ईस्वी है। समुद्रगुप्त की हमें कुल 6 मुद्राएं प्राप्त होती है जो निम्न प्रकार है, गरुड़ प्रकार, धनुधारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और बीना बादन प्रकार। अगला प्रश्न है, काश्य मूर्तियां बनाने में महारत हासिल था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाल कलाकारों को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। पाल कलाकारों को काश्य मूर्तियां बनाने में जो महारत से हासिल थी, बौद्ध धर्म से के जो महान महायान से और वज्रयान संप्रदाय के जो प्रभाव से भारत से प्रभाव से पाल शासन से काल में मूर्ति से कला च का विकास हुआ है। इस कला च के प्रमुख केंद्र थे नालंदा, बोधगया एवं कुरकिहार। हिंदू काव्य से दाय भाग जे के जन्मदाता जीमूत वाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा खुद को रैयत ए आला कहा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा खिजर खां के द्वारा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। शासक बनने के बाद खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि खुद को रैयत ए आला कहा, अर्थात तैमूर का मातहत। इन्होंने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को तीन समुद्रों का स्वामी कहा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बुक्का प्रथम को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। बुक्का प्रथम 1356 से 1777 ईस्वी ने वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की। बुका प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य वर्तमान से केरल से को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था, इसलिए बुका प्रथम को साहित्यकारों ने तीन समुद्रों का स्वामी कहा है। हरियर प्रथम से जो थे 1336 से 1356 इनका कार्यकाल था। हरियर द्वितीय को 1377 से 1406 ईस्वी
इनका कार्यकाल था। शेर शाह सूरी का गखर जाति से युद्ध कब हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा, शेर शाह सूरी का गखर जाति से युद्ध हो जाएगा 1541 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, गखर जाति के लोगों से हुआ था। गखर तो लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे एवं लूट मार करते थे। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त का नियम से कब लागू किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा, सूर्यास्त का नियम जो है 1794 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर, सूर्यास्त के नियम का संबंध है 1793 ईस्वी में लागू अस्थाई बंदोबस्त से है। 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत नियत समय तक यदि सरकार के पास लगान या राजस्व नहीं पहुंचा तो उसकी जमींदारी से नीलाम कर दी जाएगी। यह व्यवस्था 19% भूभाग पर लागू था। सूर्यास्त नियम का विस्तार से पूर्वक से चर्चा गण देवता नामक पुस्तक से मिलता है। इस पुस्तक के रचिता जो है ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, नेशनल से हेराल्ड जो हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर संपादक की, ये सही नहीं है। नेशनल हेराल्ड के संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं। यह अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत 1938 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, और इसमें नेटिव ओपिनियन BN से मांडलिक हो जाएगा, दर्पण बाल शास्त्री और प्रताप जो हो जाएंगे गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1938 हरिपुरा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान जी राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसी अधिवेशन के दौरान से सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा बम्बई। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा से 1875 ईस्वी में बम्बई में किया गया। इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर को बनाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय व्यय जांच के लिए बेलवी आयोग का गठन से किस वायसराय के समय हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, भारतीय व्यय की जांच के लिए बेलवी आयोग का गठन से 1895 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी था। उसके बाद हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो कार्यकाल था 1872 से 76 था। लॉर्ड एल्गिन प्रथम का कार्यकाल जो था 1862 से 63 था, और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल था 1894 से 98। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान समर्थन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा जी के गोखले
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ, यह किस राज्य में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही के दिनों में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का प्रक्षेपण किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसरो। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चेक गणराज्य। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा देश भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रूस। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण किस राज्य की तट से किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2022 में रसायन क्षेत्र में नहीं मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिलिप डाइविक को। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एंजेला मर्केल को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है, जो USA के थे। डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है एबल पुरस्कार 2022। बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुण तालिका को दिया गया है, सेहान करुण तालिका को दिया गया है, ये श्रीलंका के थे। एबल पुरस्कार 2021 AB बीज दर्शन अमेरिका को दिया गया है, AB बीज दर्शन से एबल पुरस्कार 2021 इसको दिया गया है। और एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है, ये USA के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जनजातीय गौरव दिवस 14 नवंबर, ये सही नहीं है। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा का जन्म दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, 15 नवंबर को। अगला प्रश्न है, ये विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर ये 24 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे सही उत्तर इसका हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2030 में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 है, ऊर्जा स्वतंत्र देश 2047 तक बनने का लक्ष्य है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक है। अगला प्रश्न है, भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा से का उद्घाटन से कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है, इसमें भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत का स्थान जो हो जाएगा 131वां है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी काव्य का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हॉकी से है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जो भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, GNP से NNP निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा GNP से NNP
एन एन पी को हटाने के लिए ये हो जाएगा राइट आंसर मूल्यह्रास को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है काली मुद्रा की सबसे सामान्य परिभाषा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा यह हुआ है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया, राइट आंसर इसका हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गोल्जी काय, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। गोल्जी काय के प्रमुख कार्य हैं, यह है अंगक से कार्बोहाइड्रेट से लिपिड से प्रोटीन से न्यूक्लियर से एसिड से जैसे पदार्थ का पैकेजिंग से संग्रह से तथा श्रवण से करता है। यह कोशिका का मुख्य सेक्रेशन ऑर्गेनेल श्रवण से अंगक है। यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक के निर्माण में मदद करते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड से तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण से गोल्जी काय में होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी को आपस में जोड़ता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अवकाशीय ऊतक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव द्वारा मनुष्यों में पायरिया रोग जो होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा एंटामीबा जीन जीवैलिस, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। हशीश एवं चरस प्राप्त किया जाता है, हशीश एवं चरस प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा फूल से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। हशीश चरस गांजा भांग से कैनाबिस पौधे से प्राप्त किया जाता है, हशीश एवं चरस कैनाबिस पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। गांजा कैनाबिस पौधे के फूलदार से एवं से फलदार से शाखाओं की सुखाकर तैयार किया जाता है। भांग कैनाबिस के पत्ती को सुखाकर तैयार किया जाता है, कैनाबिस के पत्ती को सुखाकर जो किया जाता है तैयार भांग हो जाएगा। फूल से हो जाएगा हशीश एवं चरस, गांजा जो हो जाएगा कैनाबिस पौधा के फूलदार एवं फलदार शाखाओं को सुखाकर किया जाता है। अगला प्रश्न है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, शेर का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा पैंथरा लियो हो जाएगा, पैंथरा लियो, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। पैंथरा टाइग्रेस टाइग्रिस हो जाएगा बाघ का, ये हो जाएगा बाघ का। पैंथरा पार्ट्स जो हो जाएगा पैंथरा पार्ट्स चीता का हो जाएगा, राना टिग्रिना मेढा का हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस के जीवों का लक्षण है, राइट आंसर इसका हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव का प्रमुख लक्षण है जो प्रचलन से भोजन से ग्रहण से तथा श्वसन में जीवों के सहायक होते हैं, इस जीव में उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण से आरबीसी के निर्माण से हेतु लोहे का संचय कौन सा अंग करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। यकृत का प्रमुख कार्य है पीत रस का निर्माण करना, इसके अतिरिक्त यकृत के अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो निम्न है विटामिन ए का संश्लेषण करना तथा उसे संचित रखना। लाल रुधिर कण के निर्माण के हेतु लोहे एफी का संचय करना है। शरीर में बनने वाले विषैले से अमीनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा से कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए में, ऑप्शन इसका ए। निम्नलिखित में किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। रक्त में एंटीजन से आरबीसी के कोशिका झिल्ली से चिपके रहते हैं जबकि एंटीबॉडी से प्लाज्मा में मौजूद हो रहते हैं। अगला प्रश्न है कॉपर से ल्यूटियम कॉपर ल्यूटियम से क्या स्रावित करती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर।
प्रोजेस्टेरोन से हार्मोन से गर्भस्रावण से अंडाशय के ऊपर से ल्यूटियस से कोशिका द्वारा होता है। यह हार्मोन से गर्भाशय अवस्था पर नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा खींचा हुआ धनुष, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। खींचा हुआ धनुष में स्थिति ऊर्जा संचित रहता है, जबकि चली हुई गोली, बहता हुआ पानी तथा चलता हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार तो होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फिर सतही तनाव के कारण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, सतही तनाव या पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार के ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा रमफोर्ड के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन इसका अगला प्रश्न है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा रेडियो तरंगों के परावर्तन पर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी पेरियस्कोप में दो समतल दर्पण से रखे जाते हैं, इसका हो जाएगा सही उत्तर, एक दूसरे के समानांतर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। राइट आंसर इसका रेक्टिफायर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली धारा की दिशा दिखाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बीच की अंगुली, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में अस्थायी कण है, अस्थायी कण जो हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। सेफ्टी रेजर का आविष्कार, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो है ये जिलेट के द्वारा किया गया है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार 1901 ईस्वी में से किंग्स कैप जिलेट द्वारा किया गया था, किंग कैप जिलेट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, क्वांटम से यांत्रिकी का मूल समीकरण से किसके द्वारा तो प्रतिपादन किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रोडिंगर के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण से श्रोडिंगर द्वारा तो प्रतिपादित किया गया था, इसके लिए इन्हें 1933 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताप पर से सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 0 केल्विन पे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम स्वभाव तापमान से -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं, इस ताप पर से सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन से बंधुता उच्च होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 7 ए हो जाएगा, ऑप्शन डी। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन से बंधुता कहते हैं। वर्ग 7 ए 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। अगला प्रश्न है, काल्वेराइट से किस धातु का एस्क है। राइट आंसर इसका हो जाएगा काल्वेराइट जो हो जाएगा सोना का हो जाएगा। निकेल ऑय मिश्र धातु में अवयवी तत्व हैं। सही उत्तर इसका Al+SiO+NiO हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है, ब्लू आइस पाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ऐसा शुद्ध बर्फ जिसमें रोगाणु नहीं होते हैं और जो लगभग 2000 से 3000 वर्ष पुरानी जो होती है ब्लू आइस कहलाती है, यह ग्रीनलैंड में पाई जाती है। ब्लू आइस का उपयोग विस्की बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव से का क्या अभिप्राय है। राइट आंसर इसका हो जाएगा वायुमंडलीय गैसों के कारण से सौर ऊर्जा को
रोकना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण से मौजूद कुछ गैसें वातावरण से तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म से बनाने में मदद करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन से जलवाष्प इत्यादि। अगला प्रश्न है, सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सीमेंट का रासायनिक संयोजक जो है ये हो जाएगा चूना पत्थर, चिमटी और जिप्सम, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विनेगर किससे बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विनेगर जो है ये बना है एसिड का, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है, इसके द्वारा तो लोगों को बेहोश किया जाता है, निश्चेतक है इसके द्वारा बेहोश किया जाता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान से किस देश से ग्रहण किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजस्व या लगान से विषय है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य सूची का, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति द्वारा से किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा नियोगी आयोग के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण से किसके द्वारा से करवाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो किस मंत्रालय के अधीन से कार्यरत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। वरीयता अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ठीक ऊपर कौन आता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति से लागू होने वाले आरक्षण परिणामिक से वरिष्ठता के साथ लागू होने से की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 85वां, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। 85वां संविधान संशोधन के तहत 82वां संविधान संशोधन 2000 के तहत अनुच्छेद 335 में एक परंतु जोड़कर से निर्धारित कर दिया गया था कि संघ एवं राज्यों की सेवा में SC ST के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भर्ते समय से अर्थात अंकों के मूल्यांकन के मानकों में कमी की जा सकती है। 76वां संविधान संशोधन 1994 के तहत से नवी अनुसूची में एक से नई प्रविष्टि 257 का के द्वारा तमिलनाडु राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों एवं राज्य की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1973। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना 1975 हो जाएगा, UP में 1975 में, और राजस्थान में लोकायुक्त 1973 हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान में और बिहार में, राजस्थान और बिहार 1973। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना 1983 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने की शक्ति किसमें होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संबंधित सदन के अध्यक्ष में, ऑप्शन इसका। किसी सदन का अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम से बनाने की शक्ति रखता है, ऐसे नियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो होता है ये हो जाएगा 5 से 65 वर्ष, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन से नागरिकता के अर्जन के हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 11 के प्रावधान में के तहत स्पष्ट है कि नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के शर्तों को नियत करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानून से हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अधिकार परीक्षा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर।
परमादेश यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन से नहीं कर रहा है, जिससे लोगों का मौलिक अधिकार से प्रभावित हो रहा हो, तो परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध जो हो जाएगा जब कोई निचली अदालत या अपनी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उस पर ऊपर की अदालत उसे रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करता है। उत्प्रेषण जो हो जाएगा जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उसे लेकर उत्प्रेषण का द्वारा उसे ऊपर की अदालत को हस्तांतरित कर देता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा निषेधात्मक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देता या अनुमति रोक लेता है। इस अनुच्छेद के तहत ही राष्ट्रपति अपनी वीटो निषेधात्मक जगह प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय से किसके अधीन होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में न्यायिक तो पुनरावलोकन का आधार है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और 96 का बी हो जाएगा। 97 का सी हो जाएगा 12। 98 का आंसर हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा, 99 का ये हो जाएगा। और 100 का जो हो जाएगा डी।